हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद दॉ। वी ऑल मेड ए ट्रस्ट विद दॉ सम टाइम इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, कई बार लोगों ने मेरे से पूछा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे ई फाइलिंग करें ताकि ऑब्जेक्शंस ना आए। कल अब हाई कोर्ट बंद हो रहा था और मेरे पास आज एक बड़ी ही स्मॉल विंडो थी। आई कुड नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मतलब एरर, कोई ऑब्जेक्शन आना तो मेरा नहीं हो पाता। तो मैंने आज वो कर दिखाया, बिना ऑब्जेक्शन के मेरा केस फाइल हो गया और अब मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि वीडियो बना सकूँ। आप सबको वो गांधी जी वाली कहानी याद होगी कि उन्होंने उस लड़के को मीठा कम खाने को तब तक नहीं कहा जब तक उन्होंने खुद वो गुड़ खाना कम नहीं कर दिया था। तो लीविंग दैट असाइड, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 9 सिंपल स्टेप बताऊंगा और उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, ट्रस्ट में ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ जिसमें मैंने लिखा और मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाऊंगा, सो डोंट वरी ऑन दैट। लेकिन फिर भी आपको ब्रॉडली मालूम नहीं चीजें, लेट अस गो थ्रू इट। पहले तो आपको ड्राफ्टिंग करनी है, जो भी आप कर रहे हैं सारे अनेक्सचर्स को डेडिकेटेड फोल्डर में रखना है और उसको आई सजेस्ट कि A1 A2 से नंबर कर दीजिए ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो। अपडेट इंडेक्स इन योर ड्राफ्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेजेज। तो जनरली जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम सारे इंडेक्स जो बनाएंगे उसमें पेज नंबरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास अनेक्सचर की पेज नंबरिंग ना मालूम। तो चूंकि जब आपके अनेक्सचर जब देख गया कितने अनेक्सचर होने वाले हैं, ये पेजेस होंगे, तो उनको आप कर दीजिए। फिर एक सेपरेट पीडीएफ बनाइए अप टिल अनेक्सचर और एक आफ्टर अनेक्सचर, मैं आपको दिखाऊंगा सब समझ में आएगा। तो जो लिस्ट ऑफ अनेक्सचर जो भी होंगे टोटल उनको P2 बोलते हैं, अप टिल अनेक्सचर वाले फोल्डर को P1 बोलते हैं और आफ्टर अनेक्सचर वाले फोल्डर को P3 बोलते हैं। और फिर आप एक जो पीडीएफ बना हुआ है आपका वो भेज दीजिए ताकि आपके पास प्रूफ ऑफ सर्विस हो जाए, तो उसको P4 बोलते हैं। अब हमें स्मॉल पीडीएफ का मर्ज पीडीएफ टूल यूज करना ऑनलाइन जिससे हम इसको मर्ज करके एक P5 बनाए। तो P5 हमारा वो PDF बन गया जो हम फाइल करेंगे, बस इसमें अब कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। क्या करनी है? अब हम स्मॉल PDF टूल दोबारा यूज करेंगे, ऑनलाइन ही रहेगा, एडिट इसी P5 को एडिट करेंगे। क्या क्या एडिट करने हैं दिखाऊंगा मैं। सिग्नेचर इंसर्ट करने होते हैं, अनेक्सर के टॉप राइट पे आपको अनेक्सर A1 A2 ऐसी चीजें लिखनी होंगी। फिर आप एक आई लव PDF टूल है, मतलब ये भी मतलब ऑनलाइन यूज कीजिए ऑटो पेज नंबर करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ एक्सचेंज एडिटर ऑलरेडी दिखा चुका है कैसे OCR और बुकमार्क करनी है, एंड देन कांग्रेचुलेशंस यू आर डन। सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों, जो आज मैंने फाइल किया था। तो मैं आपको एक और सीएस शेयर करता हूं, स्टार्ट। तो पहले यहां आते हैं। तो दोस्तों ये मुझे आज मुझे फाइल करना था, मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया सब। तो जनरली ड्राफ्टिंग के वक्त क्या होता है, मैं ये कुछ मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सब हमें नहीं मालूम है, ये सब चीजें कहाँ तक जाएंगी, तो इसको मैंने मिटा दिया। ये सब तो सिंपल चीजें मैंने देख लिया, अर्जेंट एप्लीकेशन 2 पेज तक है, कोर्ट फी मैंने पेज नंबर 7 में लगा दिया है, वर्ड में इमेज इंसर्ट हो जाता है, जैसे आप इमेज ही रखा कीजिए कोर्ट फी वगैरह। अब ये मैं जाता हूँ तो लेट से मैं ये देख सकता हूँ कि जब पेज नंबर इसका 4 है, पीडीएफ का जब पेज नंबर 4 है, तो ये मेरे वर्ड का मतलब मेरे फाइल का पेज नंबर 1 है, जो कि तो इस ढंग से अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर तो चूंकि ये पेज नंबर 24 है तो 21 तक जाएगा ये, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दिया इसको पेज नंबर 8 to 21। ठीक अब जो मैंने आपको एनेक्शर के लिए बताया था, तो ये सारे जो एनेक्शर है मेरे उनको मैंने इस फोल्डर में रख दिया और सबको मैंने ये A1 है, ये A2 है, A3, इसी तरह मेरे पास टोटल 6 एनेक्शन है जो मैं मुझे अपने पिटिशन को ड्राफ्ट करते तो पता चल गया था। ये मेरे A4, इनको मैंने 2 रखा था क्योंकि इन दोनों A4 ही। अब इसके बाद मैं आता हूँ तो अब A1 मेरा मैं देख लूंगा, A1 मेरे 4 पेज के हैं। अच्छा आपको सॉरी, ये स्क्रीन में फोल्डर शेयर नहीं कर पाया आपसे, ये फोल्डर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस फोल्डर में मैंने सारे अपने अनेक्सचर्स, और ये मैंने प्रिंट वाला भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं एक बार, पहले आपको ये करके मैं दिखाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे अनेक्सचर्स को मैंने नंबर कर दिया है। तो अब अगर मैं ये इसको खोलता हूँ और यहाँ से मैं आपको ये शेयर करता हूँ PDF, अब बस PDF ही शेयर करना रहेगा हर बार, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये टोटल 4 पेज का है। तो मैं ई वन के सामने जाकर इस तरीके से 22 से ये 8 से 21 तक है, तो 22 से 26 तक चल जाएगा। 26 A2 में मैं गया, A2 क्या है, A2 एप्लीकेशन था मेरा, ये कितने पेज का है, ये भी 4 पेज का है। तो अब मैं अपने वापस अपने इसमें गया, अपने फाइल में ये एक बार शेयर कर देता हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। ये फिर
27 से 30, ये भी 4 पेज हो गया। इस तरह करते करते मैं सब ये यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो सपोज लेट्स अज्यूम कि ये यहाँ पर हो चुका है 48 तक, सपोज ये 48 तक A6 कॉपी, मतलब 47 या 48 सपोज हो गया अज्यूमिंग। अब मैं फिर वापस यहाँ पर जाऊंगा, यहां से आपका वो शुरू हुआ था, तो मैं यहां से जाकर देखूंगा कि ये मेरे कितने पेज का है, 1 2 3 4 5 पेज का ये, तो मैं यहां जाकर इसको 5 पेज कर दूंगा। अच्छा ये मैंने आपको वर्ड नहीं शेयर किया, वर्ड में जाकर, अच्छा वर्ड अभी शेयर है आपके साथ आईपीएस, तो आप यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर 5 पेज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 48 है, तो यहाँ पर जाकर आप 49 से 53, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 54 पे चल जाएगा, ठीक है। तो सब इस तरीके से आपने सब कर दिया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शुरू में मैंने एक ही गलती कर दी, जब आपको फोर ये जाना है तो बस आप टूअर्ड द एंड तक ना जाकर आप यहाँ तक जाइएगा, और ये यहाँ पे देखिएगा ये जिसका पेज नंबर है उसमें से 3 घटा सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल पेज नंबर है जो भी, ये 28 पेज नंबर है, टोटल घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, अगर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 पेज नंबर तक, तो ये आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको कैसे प्रिंट करना है, तो ये देखिए यहाँ तक, सॉरी ये मैं बोल रहा था, यहाँ पे आपको खत्म हुआ है जो कि वो पेज नंबर 24 है, तो वो 21 तक जाएगा, 8 से 21। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप प्रिंट कीजिए यहां तक, ये आपका होगा अप टिल एनेक्शन या बिफोर एनेक्शन जो भी बोलेंगे, यहाँ पे आप कस्टम प्रिंट कीजिए 1 से 21, ठीक है। और उसी तरह आप एक प्रिंट कीजिए 22 से लेकर 29 तक, जो कि आपका आफ्टर एनेक्शन होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंडेक्स देखेंगे इसका, आई जस्ट होप आपको मेरा वर्ड दिख रहा होगा, जब आप इंडेक्स इसका देखेंगे तो इंडेक्स में आप देखिए ये जो है ये आपके एनेक्शर से पहले आते हैं इसलिए इसका नाम बिफोर एनेक्शर रख लेते हैं, और ये जो आपका एनेक्शर के बाद आएगा इसलिए इसका नाम आफ्टर एनेक्शर है। तो मैं अगर अपने ये फोल्डर आपको दिखाऊंगा तो इसको इसको बिफोर एनेक्शर कहते हैं और वो आपका आफ्टर एनेक्शर। इनफैक्ट वो जो मैंने आपको वर्ड में दिखाया था उसको मैंने अपटिल लिखा था, लेकिन वो भी आपके लिए समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक बार शेयर करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिफोर एनेक्शर और आफ्टर एनेक्शर प्रिंट कर लिया है, आपको एक बार पहले मैं ये शेयर करके दिखा देता हूँ कि अभी मेरी जो ये जो मेरा फोल्डर है वो कैसा है। फोल्डर मेरा ऐसा दिख रहा है, सारे अनेक्शर एक साथ हैं, बिफोर अनेक्शर, आफ्टर अनेक्शर और प्रूफ ऑफ सर्विस है। अब मैंने मतलब एक मैंने पूरे वर्ड को भी प्रिंट करके एक मैंने भेज दिया था दूसरे पार्टी को, नाउ आई हैव प्रूफ ऑफ सर्विस ऑल्सो। तो अब इसके बाद अब हम लोग दोबारा इसमें चलते हैं, जो हमें कैसे करना है ये आपको दिखाता हूँ। तो एक बार पहले आप यहाँ आ जाइए ताकि एक बार आप रिवाइज भी कर सकें क्या चीजें हैं, इसको आप बिफोर एंड एक्चुअल लिख सकते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बिफोर एंड एक्चुअल हो गया, आपका आफ्टर एंड एक्चुअल का प्रूफ ऑफ सर्विस, यहाँ तक चीजें आपकी हो चुकी, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपना ब्राउजर, ब्राउजर किधर है, ये रहा ब्राउजर, ये ब्राउजर है, और यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ मर्ज, तो ये मर्ज पीडीएफ आ गया स्मॉल पीडीएफ का। अब इसमें मैं सबको मर्ज कर सकता हूँ, तो ये जो मेरे पास ऑर्डर 12 8 के अंदर जो चीजें हैं ये मैंने मर्ज कर दी, ये ध्यान से देखिएगा। अब मैं कैसे मर्ज कर रहा हूँ, मुझे अपने दिमाग में इंडेक्स है, तो इंडेक्स में सबसे पहले मैं बिफोर एनेक्शन लाऊंगा, तो इसको मैं सबसे पहले बिफोर एनेक्शन पे ले गया, फिर चीजें मेरे मन लायक हो गई, A1 A2 A3 A4 की 2 थी जिसमें मैक्स वाला मेरा पहले थे, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। A5 A6 फिर आफ्टर एनेक्शन प्रूफ ऑफ सर्विस, वेरी गुड। अब आप इसको मर्ज कर दीजिए, तो आपका ये मर्ज होकर P5 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं,
आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें और क्या करना है, अब एक बार फिर मैं अपने उस वर्ड डॉक्यूमेंट, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं वर्ड डॉक्यूमेंट, वो आपको फाइनली मैं कर दूंगा। तो एक बार हमने मर्ज पीडीएफ टूल करके इनको मर्ज कर दिया, अब हमें स्मॉल पीडीएफ ऑनलाइन टूल यूज करके एडिट करना है। तो अब वो कैसे दिखे, यही स्मॉल पीडीएफ एडिट पर क्लिक जाते हैं। अब अगर हम एडिट में जाएंगे तो सेलेक्ट फाइल्स हमने जो भेजा है यहाँ पर डाउनलोड में गया होगा, ठीक है, बिफोर एन एक्सेस मोड, ये वाला है जो 5 बजे, ये से 12 बजे पहले आए थे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पीडीएफ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर्स वगैरह करने होते हैं, तो जैसे चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे आप सिग्नेचर, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और आप इंसर्ट कर सकते हैं सिग्नेचर। तो आप जैसे कोई आपका फोल्डर होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास फोल्डर है, अगर मैंने बताया, तो इस ढंग से आप सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आपका सिग्नेचर इंसर्ट हो जाता है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे, अच्छा इसके अलावा आपको और भी तो एडिट करना होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद आपको आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अनक्षर लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे ये जो मेरा है, आपको हैंड सॉन्ग ही कराता हूँ, जैसे ये मेरा अनक्षर E1 है। तो मैं एक काम किया, मैं जाऊँगा साइट हो जाओ दोस्त, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया अनक्षर E1, ठीक है, कंट्रोल टू। अब एक ध्यान रखिए, इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप जो दूसरा अनक्षर शुरू होगा यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए, कंट्रोल V। अब आपको थोड़ा सा इसका अनक्षर E2 करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, हर जैसे इस बार मैंने कॉपी नहीं किया, फिर मैं यहाँ लाकर पेस्ट करना चाहूँगा तो पेस्ट नहीं होगा, कंट्रोल V किया कुछ नहीं आया। इस टूल की एक मतलब कमजोरी है, आपको हर बार कॉपी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, इसको दोबारा कॉपी कीजिए और आप यहाँ पर अनेक्शन E3, कंट्रोल V, अनेक्शन ठीक है, अनेक्शन E3, दोबारा आप कॉपी कीजिए और उसी तरह अनेक्शन E4। तो इस ढंग से आपने सारे अनेक्शन ऐड कर लिए, तो सारे अनेक्शन लिख लिया, ठीक है। अब आपने लिख लिया साइन, वही चीज, अगर आपको आपने साइन भी इंसर्ट कर लिया, तो अब उसके बाद आप ये, आप इसको दोबारा आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब जब जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको पेज नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो अब पेज आपने एडिट कर लिया, जिसमें आपने सिग्नेचर कर लिया, अनेक्शन लिख लिया, अब इसको ऑटो पेज नंबरिंग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे अपना गूगल ही शेड है, आपको NGT भी किसी दिन मैं बता दूंगा कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पे पेज नंबरिंग, ठीक है, ये चूंकि मैं ऑलरेडी ये बहुत यूज करता हूँ, देखें। अब इसमें मैं सेलेक्ट PDF करता हूँ, यही वाला, कम ऑन, ओह कम ऑन, भाई इसमें डाउनलोड तो कर ही लिया है, ठीक है। हमने अभी ये 5:08 पे डाउनलोड किया था, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से पेज नंबर ही करिए और आपको टॉप राइट पे जाना चाहिए, टॉप राइट कीजिए फर्स्ट पेज नंबर 1 से ही, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 तक जाएगा, ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। आप साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो आपको मर्ज कर, ये छोड़ दीजिए, आप ये पेज नंबर ऐड कर दीजिए। अब आपका ये पेज नंबर हो गया है, डाउनलोड PDF पेज नंबर कर दीजिए। और जैसे ये डाउनलोड हो गया, फिर आपको मैंने बता ही रखा है कैसे एक्सचेंज एडिटर से, आपको एक बार मैं गया वहां पे डाउनलोड्स में, मैं वो शेयर नहीं करूंगा आपको, मैं एक बार मैं, अब जैसे जो भी आया है इसको मैंने खोला PDF में, PDF एक्सचेंज एडिटर, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सचेंज एडिटर, और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जो चीजें, जो मैजिक जो हो चुका है वो दिखाता हूँ। इन बुक मार्क्स को आप डिलीट कीजिए, क्योंकि ये जब आप मर्ज वर्ज करते हैं तो सब बंद करा जाते हैं, जो मैंने डिलीट कर दिया, जो मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा ये देखिए, पहले तो सिग्नेचर आ चुका है,
दूसरी बात, यहाँ पे पेज नंबरिंग हो चुकी है 1 2, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे अनेक्शन लेकर आ चुके हैं, ये देखिए अनेक्शन E3 था, ये कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड, ये लगता है मैंने कुछ अच्छे से अरेंज नहीं किया, बट अच्छा हाँ ये सही है, सही है, सही है। ये देखिए, ऐसा मत करो यार, 20 21। सवाल ये है कि मैंने इसको किसी दूसरे को नक कर लिया। मैंने किसी और ऑर्गेनाइज वाले को खोला है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा था, सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखिए इसमें हमारा पेज नंबरिंग भी हो चुका है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अपना कनेक्शन A1 आ चुका है, इसी तरह A2 आ चुका है, हमने A3 तक किया था, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है, तो ये सब आपके आ चुके हैं। अब आपको बस सिंपल जो मैंने बताया था, आपको यहाँ पे जाकर कन्वर्ट में जाना है, कन्वर्ट से OCR में करना है, और एक बार आपने OCR कर लिया, फिर आपको बुक मार्किंग करनी है। बुक मार्किंग का भी तरीका ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बुक मार्किंग बड़ा ही सिंपल है, एडिटर में आपको बस सेलेक्ट टेक्स्ट करने जाना है, यहाँ पर इसके करना है और हेलो। चलिए कोई बात नहीं, ये जब आप इसको OCR कर लेते हैं, जैसे आप तब तक मैं बात करूँ, क्या बोलते हैं, OCR को जब ऐसे टाइम लगता है। एक बार आपने वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप OCR कर लीजिए, उसमें सेलेक्ट करके बुक मार्किंग कर दीजिए, एंड यू आर डन। एक बार फाइनली मैं वो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैंने ये दिखाया था क्या क्या स्टेप्स हैं, और इससे ट्रस्ट मी, आपकी सिर्फ इन सिंपल 9 स्टेप्स से आपकी गलतियां नहीं होंगी। अगर इसमें कभी कभार आपको कभी छोटी छोटी चेंजेस करने होंगे, तो उसके लिए मैं अलग अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, जैसे जिससे आप कभी एक पेज आपका गलत हो गया सपोज, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े, कहीं से क्या क्या टूल्स हैं आपको यूज करने के लिए, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। आई होप आपकी ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायी होगी, एंड आई एम सॉरी इस वीडियो को बनाने का टाइम मुझे पहले नहीं मिल पाया, और कल से हाईकोर्ट बंद ही हो जाएगा परसों से, बट नेवरदलेस आप इसको समझ लीजिए, ताकि ई फाइलिंग विल बी अ केक वॉक फॉर यू। बाय एंड एंजॉय योर हॉलीडे। ओके दोस्तों, तो अब स्टॉप शेयर करते हैं, और अब वेकेशन शुरू हो रही है, एंजॉय योर वेकेशन, और फिर दोस्तों मिलते हैं फिर।